बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आवागमन का दुख अति भारी है, ताको समझ गहो नर नारी। ये जन्म मरण बहुत बड़ा दुख है, तभी तो लोग मुक्ति चाहते हैं। लेकिन जो पामर टाइप लोग हैं वो आगे सोचते ही नहीं है। एक बात साफ है, होए बुद्धि जब परम सयानी, जब आंतरिक बोध हो तभी ये बात समझेगा मनुष्य, और ये बोध गुरु देते। कुछ लोग कह रहे हैं ये जग मिठा अगला कह डिठा, लेकिन बार बार जन्मना मरना ये बहुत बड़ा दुख है। आवागमन कौन विद छूटे, हे कृपा निधान मुझे बताओ ये आवागमन कैसे छूटेगा। पांच तत्व का पुत्रा बनाया ता मैं प्रकट आप समाया। पांच तत्व का पुत्रा तिन में आप समाया, इनमें मन राजा कर देना। मन की हुकूमत चलती है, मन राजा है। ताते जीव बुद्धि कह लेना, आपन रूप आप नहीं चीना। अपना रूप आप नहीं जाना, ये ताते आवागमन कर लेना। जीव बुद्धि, इस मनुष्य में एक विचार आया मैं शरीर हूं बस। जबते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होए सुखारी। बस इसमें एक धारणा है कि मैं शरीर हूं, यहीं से बंधन है। ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। इसमें कहीं दो राय नहीं है, बंधन का कारक और कारण मन है। मन ही ज्ञानी मूर्ख कहिए, मन ही ब्रह्म रूपी अलग। मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। मन ने ही पाप पुण्य का विस्तार किया। ये बात बड़ी स्पष्ट है, मन चीने कोई बड़ला भेदी। ये पूरा संसार मन है, और मन की गतिविधियां इतनी बारीक हैं कोई भी नहीं समझ पा रहा है। मन चीने कोई वर्ला भेदी, मन को कोई देख ना पाए नाना नाश न चाहे। मन का है या सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। जितना आप पसारा देख रहे हैं ये सब मन ही का है। इंसान करता क्या है, जैसे मन का संकल्प होता है उसी के अनुसार कर्म करता है। हर क्रिया का प्रवर्तक ही मन है। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आदमी कह रहा है मेरी इच्छा है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप आत्मा हैं, वही सार है, बाकी ये पिंजरा सार नहीं है। मन ही काम क्रोध उपजाए, कैसी विडंबना है कि ये मन की उठने वाली तरंगे, ये जीव कहता है मेरी तरंगे हैं, नहीं है तरंगे।
ये तरंगे आपकी नहीं है। और मन तरंग में जगत भुलाना, मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तार, मन ही काम मोह उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लाए। हमारी आत्मा का ये विभाग नहीं है, मन ही दे रहा देह देव पसारा, मन ही पूजे पूजन हारा। मन ही नार पुरुष कर जाना, मन ही पुत्र मन बाप बकाना, मन ही पुत्र है मन ही बाप है, मन ही राजा रैयत कहिए, मन ही दीवान मन ही मिल रही है। पूरा जगत मन में है और पूरी दुनिया मन की मुरीद है। गुरुमुख होने के लिए इसलिए कहा कि जो गुरु के शब्द है वो एक पटरी है, जैसे ट्रेन चलती है उस पर चलना। दुनिया मनमुख है, कहे कबीर ये मन ही है, मन का सकल पसार, ये मन है, मन का पूरा पसार है। मन चीने ते अमर है गहने अक्षर सार, पर मन को कोई जल्दी नहीं देख पाता है। सर्द और गर्म का अनुभव सिर्फ हमारी त्वचा करती है, खुशबू का अनुभव सिर्फ हमारी नासिका करती है, शब्दों का अनुभव हमारे श्रवण करते हैं, दृश्य का अनुभव हमारी चक्षु करती है। इस तरह मन का अनुभव श्रुति कर सकती है ध्यान से। आप ध्यान आत्मा है इससे, और ये ध्यान को विचलित करता है 24 घंटे। आज एक विडंबना है, हर इंसान जूझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का वो असर पड़ा है कि आदमी अवसाद में डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं। ऋतु परिवर्तन का असर पड़ेगा, हाँ, हर एक पर पड़ता है, पर थोड़े जो मंद बुद्धि है उन पर ये प्रभाव तेज पड़ता है। उदाहरण के लिए आप खुद देखें, जब बसंत ऋतु आई तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, आप पुलकित रहते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आई आप व्याकुल रहते, और यह सम्यक रूप से सब पर असर पड़ता है। और जब वर्षा ऋतु आती है अलग माहौल बनता है, यह सब पर सम्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितनी भी ऋतु हैं वो अवरुद्ध हो गई, भला दिल्ली में 7-8 फरवरी को टेम्परेचर 3-4 डिग्री कभी नहीं सुना होगा आपने। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर मनुष्य पर पड़ रहा है, बहुत जबरदस्त पड़ रहा है, इसकी बुद्धि पर असर पड़ रहा है, और मौसम का असर तो दिमाग पर पड़ता ही है। इसलिए ऋतुओं में अपनॉर्मलिटी आ गई, इसलिए आदमी थोड़ी सी तकलीफ में अवसाद में आ जाता है। इतनी पागलपंती बढ़ रही है पूछिए नहीं, रोज मेरे पास कम से कम 15-20 पागल आते, पागलों को लाते हैं। टेंशन टेंशन, तो ये सब चीजें तो मन की है। कहलक कहिए मन की वाणी, झूठ पसारा मन है बखानी। वैसा ही है, एक आदमी थोड़ा झुककर जमीन की तरफ चारों तरफ देख रहा था, काफी देर टकटकी लगा करके वो देख रहा था।
एक सज्जन ने उसे देखा, बोला भाई क्या देख रहे हो तुम? बड़े गौर से मैं देखा तुम कुछ देख रहे हो। बोला चुप रहो, धरती घूम रही है, दिख रहे हो ना? अब मैं देख रहा हूं मेरा घर आए मैं उसमें घुस जाऊं। अब ये बात अगले के लिए तो कल्पना थी ना, मिथ्या थी, लेकिन जो नशे में था उसके लिए नित्य थी। इसलिए पूरी दुनिया एक नशे में मन और माया की, और मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। कहलक कहिए मन की बानी, झूठा पसारा मन है बखाने। ये सब नित्य लग रहा है। उसको कितना भी कोई समझाना था शराबी को, अरे भाई धरती नहीं घूम रहे, वो कह रहा चुप, मैं देख रहा हूं तुम्हें नहीं पता है। औरन को समझावते मुख में पड़ गई रेत। एक ब्रह्म सब घट घटे समाई, नहीं कहूं आवे नहीं कहूं जाई। मन की वृत्ति है कथा सुनावा, मन ही वेद पुराण सुनावा, मन ही शास्त्र शुभ घड़ी विचारी, उत्तम मध्यम कह नरवारी। शरीर का रोम रोम मन का आज्ञाकारी, आत्मा के साथ धोखा हो रहा है। आत्मा के साथ भयंकर धोखा हो रहा है। मन ही भाव व्रत सब करे, मन के भाव योग तप करे। जैसे निद्रावस्था में आदमी स्वप्न देखता है वो सच लगता है, हम सब सिद्धांत रूप से जानते हैं वो स्वप्न सत्य नहीं है, पर उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है, माया का खेल समझिए। हर स्वप्न देखने वाला स्वप्न को नित्य मानता है। कुछ लोग स्वप्न में हंसते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ चिल्लाते हैं। कितना भी बुद्धिमान होगा लेकिन जब स्वप्न अवस्था में चला जाएगा वो स्वप्न सत्य लगेगा। इस तरह कितना भी विद्वान होगा ये संसार नित्य लगेगा, सत्य लगेगा, है सब मिथ्या। जैसे जल से बुदबुदा उपजे विनसे नित्य। वाह नानक देव जी फरमा रहे, तैसे ही जग रचना है, कह नानक सुनमीत। झूठा सकल पसारा जानो, ये सब स्वप्न है। जो सपना पेखना जग रचना तुम जानो, वाह वो स्वप्न, ये संसार भी एक स्वप्न है, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। मन ही वेद पुराण पढ़ाया, मन ही शास्त्र शुभ घड़ी विचारी, उत्तम मध्यम कह नरवारी। ये सब है मन के पसारा, बहुत बुरी तरह बना है। यह सब है मन केर खुटाई, सदगुरु मिस मिल सब कर्म छुटाई। अब बार बार एक शब्द आता है, सदगुरु मिल शुभ कर्म, छुटाई सब छुटा लेते हैं। यह सब मन की दौड़ है, मन का सकल पसार, सब ये मन की दौड़ है, मन का सकल ज्ञान चीन मन अविचल है, कहे कभी विचार। मन की कथा कहूं प्रसंगा, कह रहे मैं आपको मन की कथा बताता हूं। अचरज बात कहूं सब रंगा, अचरज
यह मत तो हम तुमसे कहिया ज्ञानी हो कोई कोई लहिया। एक अक्षर का यह लेखा ज्ञानी हो सोई शब्द भेगा। धर्मदास अक्षर धिर नाम धिर जानो दूजा भाव न मन ही आनो। कह रहे एक नाम नित्य है, क्या सटीक शब्द साहब बोले। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आप में उपम पोज हो रही सब ये मन है। धर्मदास नाम धर जानो दूजा भाव न मैं नहीं आनो। काम काम सबको कहे, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विश्व। झूठा है मन केर पसारो, ये सब नाशवान है। कथन सुनन मात्र के लिए सब कहते हैं दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है, व्यवहार में सच्ची बोलते हैं। वो वैसा ही मसला है। एक दिन एक बहुत ड्रिंक करता था, मैंने उसको कहा भैया शराब शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, इसका सेवन मत करो तुम मर जाओगे जल्दी। उसने कहा मुझे भी पता है। मैं कहा जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा इसकी तरफ देखोगे भी नहीं, तुम्हें अभी पता नहीं है। अभी तुम्हें वंशक रूप से यह पता है कि शराब हानिकारक है। आगे चलकर जब तुम्हारे वाइटल ऑर्गन पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे तुम फिर किसी भी काम के नहीं रहोगे। इसी तरह दुनिया ऊपरी तौर पर सिर्फ कह रही है दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी, व्यवहार में सब इसको सत्य मान रहे। झूठा है मन केर पसारा, ताते चित में शब्द संचार। इसलिए सिर्फ नाम करो सभी चीजें होती जाएगी। भाई गोस्वामी जी ऐसे बोल रहे हैं क्या, कलिमे केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरो पारा। सभी संतों को अगर आप देखेंगे तो उनकी थ्योरी यही बोल रहे। जाके पास होए दिव्य नामा सोई पावे पद निर्माण। जिसके पास वो दिव्य ज्ञान आ जाता है, और कहते भी हैं आजकल तो खैर कथा वार्ताओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यंग लाड तो बस उसमें उलझा हुआ है अपना स्मार्टफोन के अंदर, वहां देखो पूरी बिजनेस है। किसी ने मुझे कहा कि जो हम स्मार्टफोन देखते फ्री में है, मैं कहा अंग्रेज भूरी आंख वाले बहुत तेज है, फ्री में नहीं है ये, फ्री में नहीं है। मैंने एक बात कई बार बोली है, आप देखना स्मार्टफोन ने लाभ तो दिए नुकसान बहुत किया, बहुत नुकसान कर दिया। पहली बात, लघु उद्योग के लिए महात्मा गांधी ने बड़ी फाइट की थी, गृह उद्योग के लिए। जब आदमी गृह उद्योग को अपनाएगा तो जीवन भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ कमा ही लेगा। इसको उन्होंने सीज कर दिया। दुकानें कई बंद कर दी, पूरी फैल गया ये। अब ऑनलाइन मंगाओ सामान आ जाता है। टॉर्चें बंद हो गई, स्मार्टफोन में कंटेनर। रेडियो बंद हो गए, कोई रेडियो लेकर नहीं घूम रहा है, वो सब उसमें बहुत तेज है वो। घड़ियां बंद हो गई, कई घड़ियों की फैक्ट्री थी, एचएमटी जैसी फैक्ट्री भी पिट गई है, घड़ी भी उसी में।
टेप रिकॉर्डर बंद हो गए, टेप रिकॉर्डर उसी में, पोस्ट ऑफिस खत्म हो रहे हैं, आप चैट कर दो, आप मैसेज दे दो, इतनी बिजनेस खत्म कर दी, अब मीडिया भी खत्म कर देंगे। आजकल क्या है मैं आपको बताता हूं, आजकल ऐसा है अगर आपका कोई प्रोग्राम है पहले एड देंगे, आप आपका प्रोग्राम दे देंगे, आपकी चीज दे देंगे, एड देंगे पहले, उस एड से उनको मोटा पैसा मिलता है। देखा ना, वो हर चीज को अपने कब्जे में कर लिए। तो बंधु इसी तरह पूरा मन जो है इतने छोटे से स्मार्टफोन में पूरी दुनिया है। जीबी का सवाल उठता है, फलाना जीबी ठिकाना जीबी, आगे कह रहे हैं अब कह रहे हैं सत्यलोक में वरण सुनाया, वचन तुम्हारे सब लग पाया। हे प्रभु आपके वचन से मैं सब समझ गया हूं, प्रथम तुम शब्द सुनावा ता पीछे फिर ज्ञान धड़ावा। पहले आपने कहा नाम सब कर, अब आप मुझे ज्ञान के रास्ते की तरफ ले चल रहे। और तुम कहे वचन अनदेखा, अब सेवक तुम करे विवेका। दिशा तो दीजिए ना हमें, मैं आपके शब्द से उलझ गया हूं। एक वचन कहिए समझाई, जेंते चित अंतर न जाए। धर्मदास में कहो विचारी, जेहते निभे सब संसारी। प्रथम शिष्य हो जो आई, ताक है पान देह तुम भाई, उसको नाम देना। जब तुम देखो दृढ़ता जुज्ञाना, बिन प्रतीत जीवना तो रही। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं मरणासन पर जो होता है व्हील चेयर पर लाकर, कहते हैं नाम दो भैया, अब वो चला चले, देर कर दिया, बहुत बहुत देर कर दी। उसके लिए भी नियम है, वो दृढ़ता से गुरुमुक्ता को ग्रहण करे, तभी तो साहब कह रहे नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो, यही धर्मदास जी बोल रहे हैं। नाम माया जब निश्चय आवे, ताक ज्ञान अगाध सुनावे। इस तरह अनुभव ज्ञान प्रकट तब हुई, आत्मनाम चिन्ह सोई। जाकर सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ताक सुमरण देह लगाई। इसलिए निश्चय में है प्रभु को वासा, तब तक वो सत्संग सुने, सुरत स्वरूप तुम्हारा भाई, शब्द रूप हमें निर्माई। जो कुछ है वो सुरत है, इसलिए सूरत संभाले काजे तू ना भरम भुलाए,
मन सयार मनसा लहर बह कतम न जाए। साहब ने सुरत योग बोला, योग कहते इकट्ठा करने को, ध्यान संभाल, सुरत संभाले, काज है तू ना भरम भुला, मन सयार मनसा लहर बह कतम न जाए, यानी मन की लहरें ऐसी बहा लेती है। धन्यवाद, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।